यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हिंदी में समान नागरिक संहिता कहा जाता है, और अगर शॉर्ट फॉर्म में कहे तो इसे यूसीसी भी कहते हैं। यूसीसी एक ऐसा प्रस्ताव है जिसके तहत देश के सभी नागरिकों के पर्सनल लॉ को एक समान बनाना है, जो बिना किसी धार्मिक, लैंगिक, जातीय भेदभाव के सब पर बराबर लागू होगा। पर्सनल लॉ क्या है? दरअसल अभी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी जैसे अलग अलग धार्मिक समुदाय विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने के मामलों में अपने अपने पर्सनल लॉ का पालन करते हैं। हालांकि भारत में आपराधिक कानून एक समान है और सभी पर एक तरह से लागू होते हैं। पर्सनल लॉ ब्रिटिश काल में धर्मों की प्रथाओं और धार्मिक ग्रंथों को ध्यान में रखकर अलग अलग समय पर बनाए गए थे। अगर हिंदू और मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करें तो ये भारत पर ब्रिटेन के कब्जे के समय से ही अस्तित्व में आ गए थे। हालांकि समय के साथ साथ इसमें तब्दीली होती गई। हिंदू कोड बिल क्या है? ब्रिटिश राज के समय साल 1864 में एंग्लो हिंदू लॉ बना था, लेकिन इसे महिलाओं के लिए काफी भेदभाव वाला माना जाता था। देश के आजाद होने के बाद बाल विवाह उत्तराधिकार जैसे मामलों में बदलाव के लिए साल 1956 में हिंदू समुदाय के लिए संसद में हिंदू कोड बिल पास कर दिया गया। हिंदू कोड बिल पास होने के बाद महिलाओं को अधिक अधिकार मिल गए, जिसमें उनके लिए पिता की संपत्ति में उत्तराधिकार भी शामिल था। लेकिन यहाँ ये बात बताना भी जरूरी है कि हिंदू कोड बिल हिंदू समुदाय के साथ साथ बौद्ध, जैन, सिख समुदाय पर भी लागू होता है, और ये समुदाय इसका विरोध भी करते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है? मुस्लिम समुदाय में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 का अब तक पालन करता रहा है। हालांकि एक तबका इसे भी महिला विरोधी बताता रहा है। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्सनल लॉ के तहत दिए जाने वाले ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक करार दे दिया। साल 2019 में संसद में मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 कानून लाया गया, जिसमें ट्रिपल तलाक को कानूनी अपराध घोषित कर दिया गया। मुस्लिम समुदाय ने इसका विरोध किया। उसका मानना था कि यह उनके पर्सनल लॉ पर हमला है। यूसीसी की मांग कब कब उठी? समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी की मांग एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी रहा है, और बीजेपी इसको लेकर बहुत आक्रामक रही है। साल 2019 के अपने घोषणा पत्र में बीजेपी ने इसे लागू करने का वादा भी किया था। कई राजनेताओं का मानना है कि यह देश में समानता लाएगा, वहीं कई का मानना है कि यह असंवैधानिक और अल्पसंख्यक विरोधी है। लेकिन अगर थोड़ा पीछे जाए तो साल 1835 में ब्रिटिश सरकार ने अपनी एक रिपोर्ट में अपराध सबूत और अनुबंधों से जुड़े कानूनों को एक करने पर जोर दिया था। हालांकि इसमें भी खास तौर से हिंदू और मुस्लिमों के पर्सनल लॉ को बाहर रखे जाने की मांग की गई थी। 1985 का साल ऐसा रहा जिसके बाद यूसीसी के समर्थन और विरोध में आवाजें तेज ही होती चली गई, और वो था शाहबानो केस। 73 साल की शाहबानो को उनके पति मोहम्मद खान ने ट्रिपल तलाक दे दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके पति को शाहबानो को गुजारा भत्ता देने का फैसला सुनाया था। इस फैसले को मुस्लिम पर्सनल लॉ पर हमला बताया गया, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक लगातार गुजारा भत्ता देने का प्रावधान नहीं है। तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने इस फैसले का स्वागत किया, लेकिन कई राज्यों में चुनाव हारने के बाद उसने यू टर्न ले लिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलटने के लिए संसद में मुस्लिम विमेंस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स बिल 1986 पास कर दिया गया। इसमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 125 को मुस्लिम महिलाओं के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया, जिसमें महिलाओं, बच्चों और परिजनों को गुजारा भत्ता दिया जाता है। बढ़ती राजनीतिक सरगर्मियों के बीच यूसीसी पर चर्चा और तेज हुई है। बीते साल हिमाचल प्रदेश की तत्कालीन बीजेपी सरकार और उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने
घोषणा की थी कि वो राज्यों में यूसीसी लागू करेगी। बीते साल ही गुजरात के मंत्रिमंडल ने यूसीसी लागू करने के लिए 4 सदस्यों की एक कमेटी गठित की थी। संविधान क्या कहता है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है और वो धार्मिक समूहों को अपने मामलों को खुद देखने का अधिकार देता है। हालांकि संविधान की नीति निर्देशक सिद्धांतों का अनुच्छेद 44 यह भी कहता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। यहाँ यह बात भी ध्यान में रखना जरूरी है कि यूसीसी को लेकर आज तक कोई भी मसौदा या कोई आदर्श दस्तावेज पेश नहीं किया गया है, लेकिन गोवा देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ का अपना कॉमन सिविल कोड है, जिसे गोवा फैमिली लॉ भी कहा जाता है। यूसीसी को लेकर भारत की सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी का स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है। उसका मानना है कि देश के हर एक नागरिक के लिए सभी कानून बराबर होने चाहिए। वहीं बीजेपी हमेशा कांग्रेस पर निशाना साधती रही है कि वो यूसीसी को लेकर अपना स्टैंड साफ करे। अधिकतर विपक्षी दल, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, उनका यूसीसी को लेकर स्टैंड साफ नहीं रहा है। उनका तर्क है कि भारत जैसे इतनी विविधता से भरे देश में सभी के लिए एक जैसे कानून कैसे लागू किए जा सकते हैं। कांग्रेस बीजेपी से भी पूछती रही है कि वो यूसीसी कैसे लागू करेगी, उसका कोई खाका पेश करे। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीते साल गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान भी यूसीसी का मुद्दा उठाया था। उनका कहना था कि ये सभी समुदायों की आपसी सहमति से लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा देश के कई धार्मिक अल्पसंख्यकों से लेकर आदिवासियों के अधिकारों की बात करने वाले संगठन यूसीसी के खिलाफ है। उनका कहना है कि देश के अलग अलग धार्मिक और आदिवासी समुदायों की अपनी अपनी प्रथाएं और रीति रिवाज है और वो उनका पालन करते हैं। इसके लिए ये सवाल जायज है कि पूर्वोत्तर भारत के ईसाई और आदिवासी समुदाय से लेकर दक्षिण भारत के ओकालिगा और लिंगायत समुदाय पर यूसीसी कैसे लागू होगा।